हे गाइस, मैं हूं सोनू। दोस्तों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादा नगर वैली दमदी में बहुत सारी वैकेंसी आई है। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये 96/2023 को रिलीज़ हुई है। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस है हमारी गोनी गोड़ी है, इन्होंने वैकेंसी जारी की है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, टीचिंग पोस्ट है वैकेंट अंडर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इसके अंदर प्रोफेसर की 12 सीट है ये डिपार्टमेंट है और 2,25,000 सैलरी रहेगी। एसोसिएट प्रोफेसर की 15 सीट है और ये डिपार्टमेंट है, 2 लाख सैलरी रहेगी। एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की 21 सीट है, ये डिपार्टमेंट है, 1,15,000 सैलरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर UHTC का एक सीट है और दोस्तों ये डिपार्टमेंट है, 1,15,000 सैलरी रहेगी। ट्यूटर का 16 सीट है, ये डिपार्टमेंट है, 1 लाख सैलरी रहेगी। ट्यूटर कम LMO का एक सीट है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट दोस्तों ये डिपार्टमेंट है और 1 लाख सैलरी रहेगी। सीनियर रेजिडेंट की 14 सीट है और ये डिपार्टमेंट है, 1,10,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में है ना, जूनियर रेजिडेंट की 3 सीट है और 1 लाख सैलरी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में फॉर टीचिंग पोस्ट एलिजिबिलिटी एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ NMC रेगुलेशन। दोस्तों, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंट अंडर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, दोस्तों हेल्थ एजुकेटर की 2 सीट है, डिपार्टमेंट दोस्तों ये है और क्वालिफिकेशन ये मांगी हुई है, दोनों में से कोई भी रहेगा तो भी चलेगा, 20,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में है ना, नीचे दिए गए फॉर्म आपको है ना दोस्तों ये साइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, आपको नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको ये एड्रेस पर पहुँचाने हैं दिए गए समय से पहले, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद है ना, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको जो नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं और ये ईमेल पे आपको फॉर्म मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें क्या है, आपको फ़ोटो लगानी है, जिस पोस्ट पे अप्लाई किए वो सब्जेक्ट और आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो और आपका सब्जेक्ट, आपका नेम ब्लॉक लेटर में और एड्रेस चाहिए यहाँ पे, और फोन टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ गूगल से कैलकुलेट करके आपको ये एज लिखनी है। दोस्तों, जेंडर क्या है वो, और दोस्तों डेट ऑफ अपीयरेंस इन लास्ट NMC और डिजाइनेशन क्या थी आपकी वो बतानी है। लैंग्वेज क्या जानते हैं आपको वो बतानी है। मास्टर स्टेटस क्या है वो, एजुकेशन क्या है वो आपको ये बताना है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपने कितना एक्सपीरियंस वो बताना है। दोस्तों, नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है आपको वो बताना है। डिटेल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन आपने क्या पब्लिक रिसर्च किया वो पब्लिकेशन पब्लिक रिसर्च क्या किया है आपने वो बतानी है। और दोस्तों, डिटेल ऑफ मेडिकल और डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन का दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख के बताना है। दोस्तों, आपको है ना डॉक्यूमेंट अटैच करना है, यहाँ पे आपको ये दिए गए टिक करके आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है और आपको डिक्लेरेशन है प्लेस और डेट जिस डेट से भरे हो और आपकी साइन और आपको दोस्तों अटेस्टेड कॉपी आपको रिलेवेंट और डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट फॉर्म और अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है ना, आपको है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ का है, आपको फ़ोटो लगानी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए वो, आपका नेम ब्लॉक लेटर में, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ गूगल से कैलकुलेट करके ये लिखना है। कैटेगरी क्या है आपको वो लिखना है, डोमिसाइल क्या है या नहीं वो बताना है। दोस्तों, इसके बाद है ना, लैंग्वेज क्या जानते वो बताना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने पोस्ट के हिसाब से बताइए। दोस्तों, इसके बाद में है ना, वर्क एक्सपीरियंस बताइए। डिक्लेरेशन में जो डिपेंड होगा तो आपको निकाल देंगे, जिस डेट से भरे हो, आपका प्लेस और आपकी सिग्नेचर। दोस्तों, इसके बाद में है ना, अटेस्ट कॉपी लगाना है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच अलॉन्ग विद अप्लाइड फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको दिए गए टाइम से पहले आपको ये एड्रेस पर पहुँचानी, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, इसका कब का इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, सब मैं ही अपडेट देता हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और दोस्तों सबको शेयर करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगी और क्वेरी भी आप डिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं। और जो भी दोस्तों आपको अपडेट है मेरे चैनल से मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।